बिहार में सरकारी योजनाओं में कथित भ्रष्टाचार रोक लगाने के लिए पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पकड़ी दयाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, कई अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में SDO कुमार रविंद्र ने खुले तौर पर कहा कि सरकारी ऑफिस जनता का है, किसी को कोई काम में परेशानी हो तो सीधे उनसे आकर संपर्क करें। आपको मैं बता दूं, जब से मेरा पदस्थापन हुआ है, मेरी कोशिश रहती है कि जो भी जन सरोकार के कार्य हैं, जन सरोकार की योजनाएं हैं, उसको समय से लागू कराया जाए। अपने पदस्थापना के 7 महीनों के भीतर करीब 27,000 राशन कार्ड नए हमने बनाए, और मेरी कोशिश रहती है हमारे यहाँ जो भी RTPS के माध्यम से कार्ड बनने के लिए आते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी की अनुशंसा के उपरांत, उसको समय से बना दिया जाए। SDO के ऐसी पहल त्रस्त जनता के लिए संजीवनी का काम करेगा, साथ ही साथ जन प्रतिनिधियों के लिए भी एक चुनौती है। हालांकि जन प्रतिनिधियों पर BJP अनुसूचित जाति मोर्चा के नेता प्रेम शंकर पासवान ने खुले मंच से भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा पाने का आरोप लगाया। पकड़ी दयाल नगर पंचायत में 15 वार्ड है, लेकिन 15 वार्ड में जो सभापति होता है, अध्यक्ष होता है, जो अपने ही वार्ड का, अरे बड़े दुर्भाग्य की बात है, अध्यक्ष होते हुए नगर अध्यक्ष, अरे नगर अध्यक्ष में नगर का मालिक आपके वार्ड का, जो जनप्रतिनिधि को आपने चुना है वो पकड़ी दयाल नगर वार्ड के अध्यक्ष है। अगर कोई भी विकास की योजना आए तो सबसे पहले जो अध्यक्ष होता है, 15 वार्ड पर तो उनका अधिकार है, लेकिन जिस वार्ड की जनता ने उनको चुना है तो उस पर विशेष करके अधिकार होता है, लेकिन अभी तक ले ऐसा अधिकार आप लोगों को मिला नहीं मिला है। एक बार जोर से बोलिए, नहीं मिला है। इस बात की हमेशा चर्चा रहती है कि सरकारी कार्यालयों में दलालों का बोलबाला होता है, जिसका सीधा फायदा अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को मिलता है और जनता त्राहिमाम करती रहती है। अब देखना यह होगा कि पकड़ी दयाल प्रखंड में सरकारी काम कराने के एवज में लोगों को रिश्वत देने से छुटकारा कब मिलता है। लेकिन यहाँ एक बात तो स्पष्ट है कि अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रविंद्र की कार्यशैली के स्थानीय लोग जमकर प्रशंसा कर रहे हैं, और लोगों का यह भी कहना है कि इसी तरह अगर राज्य के सभी अनुमंडल पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है।